दोस्तों आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक मान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों बस उस शब्द को 11 बार पढ़ लो या बोल दो जिसे भी आप चाहते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं वो शख्स आपका हो जाएगा। जिसे भी आप चाहोगे, जिसे भी आप प्यार में दीवाना करना चाहते हैं, जिसे भी आप प्यार में महसूस करना चाहते हैं वो स्त्री आपकी गुलाम बन जाएगी। दोस्तों बस आप इस उपाय को पढ़ लो, भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। जिस भी स्त्री से आप मोहब्बत करोगे वो आपके प्यार में तड़पने लग जाएगी। आखिर ये उपाय क्या है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। दोस्तों अगर आप इस नाम को 11 बार पढ़ लेते हैं तो दोस्तों जो इंसान आपको धोखा दे रहा है, जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता, जो इंसान आपको इग्नोर करता है, जिस इंसान के दिल में आपके लिए मोहब्बत बिल्कुल खत्म हो गई है, नफरत पैदा हो गई है, तो दोस्तों बस इस उपाय को कर लो, आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको 3 बार इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों मंत्र है ओम त्रि 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 नमो नमः। इसके बाद आपको अलमान्यो अलमान्यो इस शब्द को 11 बार पढ़ना होगा। फिर आपको वही मंत्र का जाप करना है जो 3 बार आपने पहले जाप किया था। उसके बाद उस स्त्री या पुरुष का नाम लें और 3 बार अपने सीने पर मुख मार लें। दोस्तों ये उपाय करते ही आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस उपाय को एक बार जरूर करें जिससे आप अपनी मोहब्बत को पा सकें। इतना आशा करने से ही आपकी प्रेमिका आपके प्यार में पागल हो जाएगी, आपसे मिलने के लिए मचलने लग जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को एक बार जरूर करें जिससे आप अपनी मोहब्बत को पा सकें। दोस्तों भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी सच्ची नीयत से अपने कार्य को पूर्ण करने की सोचता है, अपने कार्य को करने की प्रतीक्षा करता है, उनके कार्य संपन्न हो जाएंगे। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सच्ची नीयत वाले का साथ इस पर हमेशा देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।